कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लखनऊ और मुंबई में फिल्माई गई एक म्यूज़िकल फिल्म जिसका नाम है लफंगे नवाब, उसकी स्टार कास्ट से मिलाने जा रहे हैं। फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा सबका परिचय करा रहे हैं और साथ में जो हीरो हैं रोबिन सोही, हीरोइन हैं असम की रहने वाली लारिसा चाकज, उसके साथ साथ निर्माता गणों में रतन राठौर, अर्पित अवस्थी और माही आनंद निर्मात्री हैं। लगभग 5 करोड़ के आसपास की ये फिल्म है और लखनऊ की खूबसूरत लोकेशंस पे इस रोमांटिक फिल्म को फिल्माया गया है। आज इस फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च हुआ है और सनोज मिश्रा ने बताया कि जो बॉलीवुड के शीर्ष गायक हैं उन्होंने इसमें म्यूज़िक दिया है और गाने गाए हैं। ये एक रोमांटिक म्यूज़िकल लव स्टोरी है जिसमें एक बाप अपने जो व्यापारी बाप है वो अपने ऐसे बेटे को जो कि बैंड का दीवाना है, म्यूज़िक का दीवाना है, रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं करता और उसके बाद वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां घट जाती हैं जो कि इसको एक थ्रिलर का रूप दे देती हैं। इसमें 4 गाने हैं इस फिल्म में और पहले 3 गानों को संगीतकार अली फैजल ने तैयार किया है। तेरे लिए छोड़ी सारी खुदाई को गायिका पालक मुच्छाल ने गाया है, पुष्पेंद्र सिंह ने बोल लिखे हैं। फिर एक तू दारू का नशा करके एक पार्टी सॉन्ग है जिसे शाहिद माल्या ने गाया है और एक तीसरा रोमांटिक सैड नंबर है जिसे कि अल्तमस ने गाया है और मनोज मिश्रा ने उसको लिखा है। चौथा गीत प्यारी प्यारी सी नादानियाँ, दीपक कुमार शर्मा ने इसको गाया है और मोहित आकाश दीवान ने इसके बोल लिखे हैं। कुल मिलाकर के पूरी स्टार कास्ट आज राजधानी लखनऊ में सामने थी और सनोज मिश्रा ने बताया कि किस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है, क्या कुछ है इस फिल्म में। फिल्म के जो हीरो हैं रॉबिन साही, हीरोइन लारिसा चाकज, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। तो आइए चलते देखते हैं कि फिल्म के बारे में ये लोग क्या बता रहे हैं। माही आनंद जी हैं मेरे साथ, रॉबिन सोही जी हैं इस फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाया है और लारिसा चाकज। ये फिल्म मैंने अभी 3 या 4 महीने पहले लखनऊ में ही शूट की है। पूरी फिल्म हमारी लखनऊ पर ही आधारित है और ये फिल्म आज की जो यूथ है, जैसे कि फिल्म का नाम है लफंगे नवाब, कभी हमारे पत्रकार मित्र ने मुझसे कहा कि ये बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, तो क्योंकि मैं भी इस शहर से बिलोंग करता हूँ तो, और नवाबों के शहर के नाम से हमारा लखनऊ जाना जाता है पूरे विश्व में। लेकिन इस लफंगे नवाब का ताल्लुकात उससे नहीं है कि नवाब यहाँ के लफंगे हो गए। आज का जो यूथ है ना, हम लोग उनको नवाब नवाबजादे जैसे बोलते हैं, तो आज का जो यूथ है उस पर पूरी फिल्म है आधारित है और जो कॉलेज बेस्ड जो लड़के होते हैं उनकी लाइफस्टाइल पर ये फिल्म है, जो एक उनका अपना जो एक करियर को चुनने का एक जो तरीका होता है, जो एक माध्यम होता है, कुछ वो करना चाहते हैं और गार्जियन कुछ और उनसे उम्मीद रखते हैं। फिल्म का कुल मिला के बहुत नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी हुई है और अगर वो कोई बात कहते हैं या किसी चीज़ के लिए अगर वो आपका मार्गदर्शन करते हैं तो आज के यूथ को मानना चाहिए उन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को देखा है, उनको तजुर्बा है। ये हमारी फिल्म का बेस है और इस फिल्म का म्यूज़िक मैंने बम्बई या दुबई के बजाय अपने शहर लखनऊ में लॉन्च करने के लिए सोचा है और इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। धन्यवाद। जो है ना हमारी 28 जून को रिलीज होगी। कहानी खास यही है कि फिल्म में जो हमारे 4-5 किरदार हैं मस्त मौला हैं जिंदगी में, उन्हें किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। फादर कुछ और बनना चाहते हैं और बन कुछ और जाते हो, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे फादर जो थे, हमारे जो गार्जियन थे वो अपनी जगह सही थे और हमें उनके हिसाब से ही जीना चाहिए ज़िंदगी। ये एक वन लाइन कहानी है हमारी इस फिल्म की, लफंगे नवाब की। बाकी कॉलेज की मौज मस्ती है फिल्म में, म्यूज़िक है, कॉमेडी है, ड्रामा है, थ्रिलर है, मतलब ये जो एक एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। पहली फिल्म राजा भरोसा थी जो 16 मार्च को रिलीज हुई थी 2018 में, जो जर्मनी से डायरेक्टर थे। और एक और फिल्म जीती मैंने साउथ की, तो वो भी रिलीज़ होने वाली है, तो मे भी साथ में ही हो जाए। इसका रोल आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा था और थोड़ा जॉनर भी इसका हटके था, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर है। तो जैसी सर ने बताया कि इसमें बाप बेटे की कहानी भी दिखाई जाती है कि बाप और बेटा मतलब कैसे बाप उसको समझाता और बेटे को हमेशा गलत लगता है, पर आखिरी में बाप सही होता है तब करी। और उसमें भी लारिसा जी आपकी पहली फिल्म है जी सर? मेरी इससे पहले मैं ऑलरेडी एक मूवी कर चुकी हूँ, वो भी लखनऊ का ही मूवी है। उसके बाद में ये इससे पहले वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, मेरा डेब्यूट फिल्म तो यही माना जाएगा लखनऊ। नाम क्या था? इसका नाम था लॉलीवुड। लॉलीवुड नाम है वो लखनऊ के ऊपर ही वो मूवी है, द केज ऑफ लखनऊ। स्टडी कम्प्लीट किया आसाम से, मैं प्रॉपर आसाम से बिलोंग करती हूँ, जन्म मेरा मणिपुर। रॉबिन जी आपको रॉबिन जी कैसे क्या तैयारी करनी पड़ी इस रोल के लिए? आपने कहा कि ये थोड़ा इसका जॉनर अलग था, किस तरीके का क्या चैलेंजेस थे? तैयारी मतलब इसमें मैं गिटारिस्ट हूँ और सिंगर भी हूँ, एक रॉक बैंड पार्टी टाइप का एक वो पूरा ग्रुप होता है जो म्यूजिशियन होते हैं सारे, तो उसके लिए थोड़े गिटार की क्लासेस ली और बाकी तो सर इसमें माहिर है उन्होंने करवा ही लिया और बाकी तो एक्टिंग पे ही था तो वो वैसे कर लिया। पर तो तैयारी इसमें ज़्यादा सिर्फ म्यूजिक के लिए करनी पड़ी और बाकी तो एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लड़की की कहानी है जैसे वो अपने बाप बेटे के और लव स्टोरी और सारी चीज़ें रहती है। सनो जी आपसे एक सवाल है, जैसा आपने पहले क्लियर कर दिया कि फिल्म का नाम जो है, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक चटपटा टाइटल बना के कहीं ना कहीं जो नवाबों की एक विरासत है, बहुत बड़ी कहानी है नवाबों की, उसको कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है? नहीं नहीं सर, मैं ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म नहीं बनाता हूं। और ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं या लोगों को ये बड़ा चुटीला सा नाम लगा कि एक लफंगे कुछ लड़के हैं तो, और कई बार फिल्म में इस बात का जिक्र होता है कि नवाबजादे कहाँ थे, आप सो रहे हैं अभी नवाबजादे, तो नवाबजादे का मतलब हुआ कि आज के जो हमारे फिल्म के जो यूथ है उनसे है, ना कि हमने किसी नवाब की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद भी शहर से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपनी चीज़ों को अपनी धरोहरों को संभालना चाहता हूँ, ना कि उनको हर्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आज आपने म्यूज़िक वीडियो इसका लॉन्च किया, कितने गाने हैं इसमें और किस तरीके के कौन सिंगर्स कौन है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? सर इस फिल्म के में चार गाने हैं और वेल नोन सिंगर हैं जैसे कि अल्तमश फरीदी ने गाना गाया है और एक कौन सा पलक मुच्छल ने गाना गाया है, शाहिद माले ने गाना गाया है फिल्म में। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे बहुत अजीज मित्र हैं मेरे, अली फैजल, मेरी लगभग सारी फिल्में में म्यूज़िक देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है। और तीसरी ने इस फिल्म का म्यूज़िक जारी किया है आज, और मेरे साथ हमारे दो सहयोगी जिशान और आशीष जी भी है जिन्होंने यहाँ का सारा लोकेशन, मुझे जितने अच्छे अच्छे सारे प्लेसेस थे उन्होंने सब प्रोवाइड कराया और इस फिल्म को खूबसूरत बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। जी रॉबिन जी आगे कैसे रोल करना चाहेंगे, किस तरीके का रोल? मतलब एक्टर्स के लिए कुछ भी मिलना चाहिए, मतलब उनको ऐसा कोई चूज ही नहीं होना चाहिए मुझे ये लगता है, और मैं नेगेटिव करने के लिए भी रेडी हूँ और पॉजिटिव करने के लिए रेडी हूँ, मतलब मैं खेलना चाहता हूँ बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ, मतलब ऐसी कोई मेरी बंदिश नहीं है। भाई जी आपसे एक सवाल है, क्या बजट रहा फिल्म का? आपसे एक सवाल है लारिसा जी कि आप जैसा आपने बताया कि आप पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले हैं और यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है बहुत शुद्ध हिंदी है वही फिल्म, तो भाषा को लेकर के क्या दिक्कतें हैं? मैं प्रॉपर बंगाली हूँ, मैं प्रॉपर बिलोंग करती हूँ कोलकाता से, लेकिन मेरा जन्म आसाम में हुआ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी था, क्योंकि आसाम में आसामीज बोला जाता है वहाँ पे, और मेरा अगर आसाम में रहती हूँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसे भी है, और कलकत्ता से अगर कलकत्ता में भी रहती थी तो वहाँ पे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। पूछने का मतलब यहाँ इसमें यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हुआ, सबके साथ रह रह के आदत हो गई, अभी मतलब सबसे बात करती हूँ मैं, ग्रामर प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है मेरा, जैसे कि लड़की को लड़की बोल देती है, लड़की को लड़का बोल देती
तो इन लोग जब भी बात करती हूँ इन लोग बोलते घी नहीं गा होगा फिर गा नहीं घी होगा ऐसे बोलते हैं मुझे। काफ़ी चिढ़ाते थे इन लोग शूट पे, काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुई, अभी सीख रहा हूँ।